सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नाम बताएं, कहां से कॉल कर रहे हैं और समस्या बताएं। हेलो हेलो प्रकाश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछें आप। बिहार से बुलेट प्रकाश जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार फिर से पूछें। बुलेट प्रकाश बिहार से जी, स्वागत है, सवाल पूछें। वो पेट में दर्द रहता है, दो तीन बार लेटरिंग होता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, गैस बनता है जी। डॉक्टर को दिखाया, क्या डॉक्टर ने फरमाया, क्या बताया, क्या तकलीफ है, क्यों होता है? डॉक्टर से दिखाते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। बिजली कल से बहुत दिखाया है, 8 साल से बीमारी है। 8 साल से? ठीक है, अब एज बता दीजिए अगर आप हैं लाइन पर, नहीं तो मैं अंदाजे से आपको बता देता हूँ आपकी एज भी। हाँ देखिए, एक मैं नुस्खा बताता हूँ आपको, वो आप रोज़ाना लेने लगिए और आपको फ़ायदा मुमकिन है। देखिए, मेथी आप जानते हैं, मेथी का दाना ये लीजिए 500 ग्राम, मेथी का दाना 500 ग्राम, और 100 ग्राम लेना है आपको, 100 या 150 ग्राम नमक कलौंजी के नाम से, आसान लैंग्वेज में नमक कलौंजी कहते हैं, इसे कलौंजी का रसायन भी कहते हैं और इंग्लिश में एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं। 100-150 ग्राम इसमें मिलाकर अपने घर पर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाया करें, आपकी ये 8 साल की बीमारी बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, इंदु रानी जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें आप। हेलो हेलो जी, इंदु जी स्वागत है, सवाल पूछें। हम बोल रहे हैं ना कि मेरा सवाल चल रहा है 8 दिन से, वहाँ से मंगाए हैं 8 दिन जी। से हम उसको दवा का चालू किया है, फिर से हमको पूरा डिटेल पूछना था उनको, कैसे करके खाना है, कैसे करके क्या करना है, कौन सी दवा है, कौन सी दवा है वो, इसका जोड़ों का दर्द का गौंसिया। हाँ गौंसिया पाउडर बना लिया आपने इसका? हाँ पाउडर बना लिए हैं, कल खाए हैं दो चुटकी करके। अच्छा, अब उनसे बात नहीं हो सकता है क्या? हम ही तो बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, आप हमारी आवाज नहीं पहचानते हैं क्या? नहीं, टीवी में नहीं दिखाते हैं आप। अरे हम आपके सामने हूँ। अच्छा ठीक, बोलिए। ये दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से लिया करें और 5 या 8 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा आपको। और ये गौन जो आपने 100-200 ग्राम लिया है, ये ख़त्म होने से पहले आपकी बीमारी का ख़त्म होना मुमकिन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस, ने हमें कॉल किया है गोंडा उत्तर प्रदेश से। यूनुस जी सवाल कीजिए जी। यूनुस भाई बताइए। हड्डी में वो प्रॉब्लम है मेरे। कहाँ प्रॉब्लम है? पीठ और कमर गर्दन में। कब से है? चक्कर आवा करते है, होएगा 10 साल। ठीक है, देखिए बहुत मेहनती रही हैं आप कभी, और वो मेहनत इस उम्र में आके परेशान करती है। तो एक तो आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, कुर्सी वाला, अगर नहीं है तो पति पर जोर दीजिए या बच्चे से कहिए कि ऐसा बाथरूम घर में होना चाहिए और अपनी ज़रूरत उस पर पूरी करें। सर्वाइकल जो आपको चक्कर आवत है ना, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज 2-4 मिनट रोज़ कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ लें। गौर से देखिए, ये गर्दन आपकी, ये कान आपका मोंढे से जाकर लगना चाहिए। 2 मिनट ये एक्सरसाइज करिए और 2 मिनट ये खूब ज़ोर से यहाँ तक ले आइए इसे और यहीं देखिए, ये 2 मिनट करेंगे तो 10 दिन में आपकी चक्कर ख़त्म होगी।
लेकिन करते रहिए, 2 मिनट और दो दो मिनट तो मैं कह रहा हूँ, 4 मिनट आपको इससे ज़्यादा करनी चाहिए। एक साथ नहीं कर सकें तो किस्तों में करें। दूसरा, कमर के दर्द के लिए आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद आप लिया करें, और अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने लें, ताकि आपको ये बीमारी हमेशा के लिए छोड़ दे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब हैं। क्या परेशानी है उनके साथ, आइए जान लेते हैं। जी बताएं, किस तरह की परेशानी पेश आ रही है आपके सामने? मेरे को पाइल्स प्रॉब्लम थी, मेरे को 6 साल से पाइल्स प्रॉब्लम, 3 बार मैंने ऑपरेशन करवा लिए जी। तो अभी मैं तो सुबह अगर बाथरूम के लिए जाता हूँ तो बाथरूम नहीं लगता, थोड़ा बहुत लगता है, फिर पूरे दिन पेट दुखता है, पेट में दर्द रहता है और पेट के अंदर अंटे चलते हैं, फिर बाथरूम के लिए जाता हूँ तो बाथरूम नहीं लगता है, ऐसी परेशानी हो रही है मेरे को जी। ठीक है, देखिए जो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं बवासीर का, तो उन्हें पहले यूनानी की कोशिश करनी चाहिए। बवासीर हमें होती है हमारे पेट की ख़राबी से, पेट ठीक कर दो तो बवासीर ख़त्म हो जाती है, और पेट की सूजन, पेट का वर्म, पेट का कब्ज़ और मैदे की सूजन, लीवर की परेशानी, इन सब के लिए, बवासीर के लिए एक नुस्खा बड़ा कामयाब है, आप इसको समझ लें। देखिए मेथी जो आपके घर में किचन में पाई जाती है, मेथी का दाना 500 ग्राम लेकर इसे पाउडर बना लें, और 100 ग्राम आप ख़रीद लें नमक जैतून, ये एक रसायन है जो जैतून से निकलता है, इसे रसायन जैतून भी कहते हैं, जैतून का रसायन नमक जैतून भी कहते हैं, और इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहा जाता है। ये इसमें मिलाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, छोटा चाय का चम्मच, आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। इस वक्त एक और दर्शक हैं, राजेश जी ने हमें कॉल किया है कुरुक्षेत्र से। राजेश जी बताएं, किस तरह की परेशानी है आपकी सेहत में, किस तरह की गड़बड़ी है और क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, पूछें अपना सवाल। सर मेरे को ना जैसे कोलाइटिस है और मेरे को कुछ दिक्कत रहती है, कब्ज भी रहती है, और जैसे कपालभाति भी करता हूँ तो सुंडी के नीचे जैसे नाभि होती है, सुंडी के नीचे जी कब्ज के मरीज है ना, तीन जो रखी है, कोलाइटिस भी है और पेट में गड़बड़ रहती है। हाँ देखिए, पेट ठीक रखना ही सेहत की निशानी है, फिर इससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे गैस हो, एसिडिटी हो, बवासीर हो, वर्म हो, आंतों में छाले हो, बहुत सारे मर्ज ये पेट की वजह से होते हैं, तो पेट ठीक कर लें। और एक अच्छा नुस्खा है लेकिन ज़रा मुश्किल है, आप बना लें और ख़ुद इस्तेमाल करें। एक दवा है लाजवंती, ये वो बीज है जो एक पौधा होता है और उसके पत्ते बारीक छोटे छोटे से होते हैं, हम उसे छूते हैं तो शर्मा जाता है, एकदम मुरझा जाता है छूते ही, फिर थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाता है, इसे कहते हैं लाजवंती। इसके बीज मिलते हैं बहुत बारीक बारीक, अक्सर लोग इसे दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। लाजवंती 100 ग्राम, इसके बीज रसवंती 100 ग्राम, रसवंती एक गौन टाइप की चीज़ है जो बनाया जाता है, रसवंती 100 ग्राम, कत्था 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सब को पाउडर बना के किसी भी तरह गोलियां बना लें, चना या मटर से थोड़ी बड़ी, और सुबह 1 और शाम 1 खाने के बाद पानी से या दूध से लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। और अंबाला से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, संदीप जी ने हमें कॉल किया है। संदीप जी क्या प्रश्न है आपका? हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हजर मैम, ऐसा है मेरी वाइफ को एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जी। जी जी हेलो जी, पूछे सवाल। हाँ जी, एक तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको, एक उनको अस्थमे की प्रॉब्लम है जी। जी, उम्र कितनी है?
एज 36 साल है जी। 36 साल, ठीक है। तो देखिए, सर्वाइकल के लिए तो एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन वो 2-3 मिनट रोज़ाना होनी चाहिए। आप समझ लें, अगर आपकी पत्नी साहिबा तशरीफ़ रखती हैं आपके सामने तो वो देखें मुझे, और अस्थमे का भी मैं इलाज बताऊंगा। ये पहले सर्वाइकल के लिए ये है ना, देखिए मुझे देख रहे हैं, कान मेरे मोंडे से मुलाकात के लिए जाते हैं, ऐसे करते रहें दिन में 2-3 मिनट, एक एक मिनट करके कर लें, आधा आधा मिनट करके कर लें, लेकिन 3 मिनट ऐसा हो जाने चाहिए कि आप ये एक्सरसाइज करें। और एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 2-3 मिनट खूब यहाँ तक लाना है अपनी ये ठोड़ी को, जैसे मैं ले आता हूँ 3 मिनट। ये दवा की ज़रूरत नहीं होगी, कभी दर्द की दवा की ज़रूरत पड़े तो ले सकते हैं। 10वें दिन उनको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा मेरा तजर्बा है। और अस्थमे के लिए दवा भी बता देता हूँ, घरेलू नुस्खा भी बता देता हूँ, आप जो बना सकते हैं बना लें या दवा ले सकते हैं। देखिए, दवा ऐसे बनानी है कि लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी, लिसोड़ा, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम, 30 ग्राम पीप लें जो किचन में गरम मसालों में होती हैं, मिलाकर पाउडर बनाएं, सुबह शाम एक एक चम्मच खाएं, गरम पानी से, खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो उनको फ़ायदा मुमकिन है। दवा बतौर अगर लेना चाहते हैं तो माजून आर केयर सुबह शाम इसी तरह लें, खाली पेट गरम पानी से और रात को सोते समय। लेकिन आपको जल्दी फ़ायदा भी हो जाए तो 5-6 महीने खिलाएं, अगर आप भी चाहते हैं उनको इस रोग से निजात मिल जाए। एक और दर्शक है अमित शर्मा जी ने हमें कॉल किया है उड़ीसा से, उनसे बातचीत करते हैं। अमित जी बताएं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताएं। सर, मैंने खुजली होके रखी है दोनों टांगों में। कब से है? वैसे तो मेरा 2-3 साल हो गया है, लेकिन कभी हो जाता है, दवाई ले लेता हूँ तो मिट जाता है, तो लेकिन अभी मेरे महीने भर हो गया इससे खुजली होके रखी है जी। मेरे मतलब जांघों में है और थोड़ा दाढ़ी के पास भी है, और गले गले में छोटे छोटे जैसे फुंसी से दाने भी है, वो भी हो जाते हैं बार बार। ठीक है, एज बता दीजिए अपनी, एज आपकी। ठीक है, देखिए इसका इलाज है बहुत आसान, अगर आप करें तो आपको इसे निजात मिल सकती है, नहीं तो ये फिर पूरे शरीर को में आ जाती है। तो इसका इलाज ये है कि आप नमक आता है, एक रसायन आता है जिसे हम लोग नमक कहते हैं, रसायन जैतून, जैतून का रसायन, या नमक जैतून कह सकते हैं, या इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहते हैं। ये 100-200 ग्राम खरीद लीजिए और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर पी लिया करें, एक ही बार काफ़ी, नहीं तो 2 बार भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, फ़ायदा तो आपको बहुत जल्द होगा, आप 2 हफ्ते में सोचेंगे बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन इसको ख़त्म कर लेना ताकि आपको रोग से निजात मिल सके। एक और दर्शक हमारे साथ पंचकुला से जुड़ गए हैं, अनिल जी ने हमें कॉल किया है। अनिल जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। मैम, मेरे को अपनी मिसिस के बारे में पता करना है जी। उनके घुटनों में दर्द रहता है जी, कब से और कितनी एज है उनकी? उनकी एज 55 है जी, और उनको 2-3 साल से ही है, ज्यादा पुराना तो नहीं है। ठीक है, 2-3 साल बहुत होते हैं, आपकी पत्नी ने बर्दाश्त किया है, आपने नहीं, 2-3 साल दर्द में आदमी मायूस हो जाता है। अच्छा, देखिए ये कोई भी दर्द, चाहे घुटनों का हो या कमर का हो, ऐसा रोगी जिस घर में भी हो उसके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, अगर ये है तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, ये नहीं है तो काफ़ी वक्त लगता है। तो आप सोच लें आपको क्या करना है या नहीं है। तो एक गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं, काला गोंद, ये जायके में कड़वा और रंग में ब्राउन होता है, लेकिन इसे गोंद स्याह कहते हैं या काला गोंद कहते हैं, लेकिन फ़ायदे में ये बहुत अच्छा है अगर असली मिल जाए, नकली भी बहुत मिलता है, असली मिल जाए तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं, 100 ग्राम भी अगर आपको मिल गया असली तो।
तो ये ख़त्म होने से पहले आपकी पत्नी का ठीक होना मुमकिन है।